हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। और ये देखिए, हम आज बना रहे हैं जो रेसिपी, वो ऐसे मोटा हरी मिर्च होते हैं उसकी बना रहे हैं। और ये जो है, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो ऊपर की डंडी होती है ना, इसको काट के अलग कर देंगे। और इन मिर्चों को हम बीच में से ऐसे कट कर लेंगे। और ये जो इसके बीच का हिस्सा है, आप चाहो तो ये निकाल सकते हो ऐसे। और इनकी बीज निकाल देंगे और ऐसे ही सारा हम कर लेते हैं। और इसी तरह हम सारे मिर्चों को कर लेंगे। ऊपर की डंडी निकाल देंगे, बीच में से दो हिस्सा कर लेने का है इसका। टू पीस में इसको हम ऐसे दो ऐसे अलग अलग कर देंगे। इसमें कुछ खास नहीं, इसलिए इसमें से नहीं निकालेंगे। ऐसे ही हम सारी मिर्चियों को कर लेते हैं। ये देखिए, सब में किसी में भी नहीं निकले, कम है तो उसको आप रखना चाहो रख सकते हो। और ये ऐसे ही हम सारा कर लेते हैं। और ये देखिए, हमने सारी मिर्ची ऐसे कट कर ली है। अब इसके लिए जो हम मसाला तैयार करेंगे, हम एक ऐसा कूटने वाला लेंगे और इसमें हम लेंगे, और इसके लिए हम लेंगे पचफोरन। पचफोरन में आपकी पांच चीज़ें होती हैं, जैसे कि सौंफ है, मेथी है, राई, मंगरेला, ज़ीरा, ये सब चीज़। एक चम्मच हम ये ले लेंगे, ये देखिए एक चम्मच लेंगे और इसको अच्छे से कूट लेंगे। आप इसको भूज के भी कूट सकते हैं, पर मैं ऐसे इसको कच्चा ही कूट रही हूँ। और एकदम पाउडर नहीं करना है, दरदरा सा करना है। आप चाहिए तो इसको मिक्सर में भी कर सकते हैं। और इसको पाउडर नहीं करना है, दरदरा जैसा रखना है बस, ऐसा ही होना चाहिए। ये देखिए, पाउडर भी नहीं है, दरदरा टाइप का है। अब हम इसके आगे का करते हैं। और यहाँ पे कढ़ाई रख देंगे और इसमें हम डालेंगे तेल। सबसे पहले इसमें हम तेल डालेंगे, जो कि हम सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं। आप जो खाते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, पर इन चीज़ों में ना सरसों के तेल बहुत अच्छे लगते हैं। और जब हमारा सरसों का तेल गर्म हो जाएगा, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा राई। तेल गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे राई और साथ में आँच भी कम कर देंगे। और हम यहाँ पे थोड़ा सा डालेंगे हींग और थोड़ा सा जीरा। ये हमारे अच्छे से चटक जाएंगे, तब इसमें हम डालेंगे अपना ये कटा हुआ मिर्ची। और ये बहुत अच्छा लगता है, इसको आप दाल चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए। और ये अपने जो मोटी मोटे अनाज की बनाते हैं, जैसे बाजरी या मकई, इनके साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। आप ज़रूर बना के देखिएगा। और हाँ, अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शेयर आप लोग नहीं करें, शेयर ज़रूर करिए। और कमेंट्स तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोग लिखा करिए। और बना के कैसा लगा ये ज़रूर बताइए, रेसिपी हमारी कैसी लगी ये भी बताने का, ताकि मुझे अच्छा लगता है और भी नई नई रेसिपी बनाने में। और ये देखिए, इसको नरम करना है, आँच हम कम कर देंगे। ये देखिए ऐसे हो जाएगी, ये आपको हो रही है। अब इसमें हम सभी मसाले डाल देंगे जो हमने पचफोरन कूट के रखा था, उसे डाल देंगे। और साथ में हम डालेंगे थोड़े से हल्दी, लाल मिर्च अपने स्वाद अनुसार डालिए, कलर के लिए थोड़ा अच्छा रहता है। और यहाँ पे हम नमक डाल देंगे और थोड़ा सा धनिया पाउडर।
ये सब डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये जब अच्छे से मिक्स दिखे, इतना अच्छा लगने लगा इसका कलर। और ये यहाँ पे हम थोड़ा सा नींबू, आधा नींबू काट देंगे। और ये देखो, ये हमारी मिर्ची फटाफट बन के तैयार हो गई है। और यहाँ पे इसको हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे। और ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं। ढकने से क्या है, थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है मिर्ची। और ये हमारी मिर्ची बनके रेडी है।